हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमन कौशिक और आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। कैसा था आज का बाजार और क्या रहेंगे लेवल्स कल आने वाले दिन के लिए? ये आप लोगों के सामने यहाँ पे मेरा निफ्टी का चार्ट है। सबसे पहले दोस्तों निफ्टी से शुरुआत करते हैं। कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी बैंक निफ्टी, तो दोनों की रेंज डिस्कस करते हैं कल के दिन के लिए क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। तो सबसे पहले आज के दिन की बात करते हैं। देखिए कल हमने दो लेवल डिस्कस करे थे, 18,100 हमारा सपोर्ट वन था और 18,050 से 18,000 का जो लेवल है ये था हमारा सपोर्ट टू कल के दिन के लिए। आज मार्केट में जो है सपोर्ट वन के नीचे ही मार्केट ओपन हुआ है और ऑलमोस्ट पूरा दिन 18,110 से 18,040 के बीच में ही ऑलमोस्ट 70 पॉइंट की रेंज में ही निफ्टी पूरा दिन ट्रेड करता रह गया। तो कल के दिन के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी हमारी निफ्टी में? देखिए मार्केट अभी 18,082 पे बंद हुआ है। अगर मार्केट में कल फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है, यानी लाइक ऑलमोस्ट लाइक 18,060 के अराउंड मार्केट खुला या 18,100 के अराउंड मार्केट खुला, तो ऐसे में हमारे पास जो सपोर्ट है वो रहेगा 18,030 से 18,000 का जो लेवल है ये रहेगा हमारे पास सपोर्ट वन और सपोर्ट टू। इसके बाद जो है वो हमारे पास रहेगा यहाँ पे 17,920 से 900 का जो एरिया ये रहेगा हमारा सपोर्ट टू कल के दिन के लिए। और अगर मार्केट इनकेस 18,000 के नीचे ही ओपन होता है या फिर हमें देखने को मिलता है कि गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है और मार्केट 18,000 के अराउंड खुलता है, तो ऐसे में ये मार्केट जो है सपोर्ट के अराउंड खुल जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो सपोर्ट वन है वो सीधा 17,920 का रहेगा, यानी ऑलमोस्ट मार्केट में जो एक अच्छा लेवल है वो 18,030 से 18,000 का लेवल है, क्योंकि 18,000 एक राउंड फिगर भी और काफ़ी टाइम बाद निफ्टी ने वो ब्रेक किया है, तो इस लेवल को मार्केट एक अच्छा सपोर्ट ट्रीट कर सकता है। और अगर मार्केट 18,050 के अराउंड ओपन होता है तो ऐसे में रेजिस्टेंस वन रहेगा हमारा 18,100 का लेवल और रेजिस्टेंस टू हमारा रहेगा 18,180 का लेवल कल के दिन के लिए। 180 से 200 का जो लेवल है ये पूरा ही रहने वाला है रेजिस्टेंस। अगर इनकेस मार्केट में 18,100 पे ही ओपन हो जाता है और मार्केट 18,100 के अराउंड ही, यानी जो आज का ये हाई एरिया है जिसको आज मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया है यहाँ पर रेजिस्टेंस, अगर इसके अराउंड या इससे ऊपर ही मार्केट में ओपन होती है तो 18,180 जो है वो हमारा रहेगा रेजिस्टेंस और 18,040 या 18,050 का जो एरिया ये रहेगा हमारा सपोर्ट वन और इसके बीच में ही हो सकता है मार्केट। जैसे विक्स काफ़ी कम है आजकल मार्केट में, बहुत बड़ा मूव देखने को रेयर ही मिल रहा है, जैसे अभी लेटेस्टली हमें देखने को मिला था यहाँ पे, तो हो सकता है मार्केट इस रेंज में ट्रैप होकर रह जाए या फिर अगर ये रेंज ब्रेकआउट करेगा तो हो सकता है कोई बड़ा मूव दिखाए मार्केट। तो आइए बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी देखिए ये कल की ड्राइंग्स हमारी मेंटेन्ड है। आज यहाँ पे मार्केट यहाँ पे भी जो है हमने सपोर्ट लेवल डिस्कस किया था 43,300 का जो लेवल है ये हमारा सपोर्ट था। आज मार्केट ऑलमोस्ट इसके नीचे ही खुला था, 150 के अराउंड खुला था। अपसाइड में एक बारी मार्केट ने एक दो बारी टेस्ट किया है 43,300 को और ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग है वो भी 43,300 के अराउंड ही यहाँ पे मार्केट में बनी है। तो कल के लेवल्स क्या रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए ये भी बात करते हैं। देखिए मार्केट 43,300 के अराउंड क्लोज हुआ है, तो मैं ये मानता हूँ अगर कल के दिन हमें ओपनिंग देखने को मिली 43,300 के अराउंड ही मार्केट ओपन हुआ फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली, तो ऐसे में 43,500 का जो एक एरिया है ये ऊपर में और 43,100 का जो एक एरिया है नीचे में हो सकता है। ये काफ़ी अच्छे लेवल होंगे बैंक निफ्टी के लिए कल के दिन के लिए, ये तो मैं काफ़ी अच्छे से बिलीव करता हूँ। और हो सकता है मार्केट इस पूरी रेंज में ही कल के दिन ट्रैप होकर रह जाए और इससे बाहर जाना मार्केट के लिए मुश्किल होगा। अगर इनकेस मार्केट 43,500 से ऊपर निकली तो हम लोग कल की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है बैंक निफ्टी में वो रहेगा 44,000 का, और अगर मार्केट 43,100 के नीचे निकली तो यहाँ पे 42,900 जो है ये है हमारे पास सपोर्ट टू हमारा। तो ओवरऑल हमने जो बात करी है कि मार्केट 43,300 बंद हुआ है, तो हमारा रेजिस्टेंस वन जो है वो 43,500 का है, रेजिस्टेंस टू उसके ऊपर सीधा 44,000 है, 500 रुपये। मेरे हिसाब से मार्केट में इसके बीच में कोई ज़्यादा अच्छा रेजिस्टेंस है नहीं, तो अगर मार्केट 43,500 ब्रेकआउट करता है तो मार्केट में 44,000 नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। और डाउन साइड में सपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 43,100 जो है ये रहेगा सपोर्ट वन और सपोर्ट टू जो है वो रहेगा 42,900 बैंक निफ्टी के लिए कल के दिन के लिए। तो दैट्स इट दोस्तों, यही रेंज मेरी कल के दिन के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल की एक्सपायरी की, यही स्ट्रैटेजी है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी है अभी इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और दोस्तों के साथ अपने शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों के जो भी फीडबैक होते हैं आप लोग हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू।